कि अब मैं मंगल सिंह रावत अपने आप को लोकेश कुमार सिंह और समूह मनी शर्मा से पूरी तरह अलग हो चुका था। एसएम शर्मा साहब नमस्कार। जी नमस्कार, आपके बारे में शर्मा के ऊपर भी लांछन लगाया गया। एसएम शर्मा साहब नमस्कार। जी नमस्कार, ध्यान से सुनिएगा। आपके बारे में सिंह रावत आपके बारे में क्या लिखा सुन लीजिए एक बार। मंगल सिंह रावत ने उसी समय ऑडियो लेख जारी करते हुए सीआरपीएफ कर्मचारियों के द्वारा तनाव समूह मनी शर्मा, हाँ, मैंने संबंधित तमाम व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर दिया और समूह मनी शर्मा मेरे द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए थे, इस पर नाराज हो गए लोकेश कुमार। आपत्तिजनक बात की गाली गलौज कि मैंने इसकी आर्थिक अपराध भूमिका देखते हुए मैंने उस सोशल साइट पर ब्लॉक कर दिया। ये लिख रहा है मंगल सिंह रावत, ठीक, और लिख रहे हैं कि अब मैं मंगल सिंह रावत अपने आप को लोकेश कुमार सिंह और समूह मनी शर्मा से पूरी तरह अलग हो चुका था। मेरा लोकेश कुमार सिंह और समूह मनी शर्मा से किसी भी कोई लेना देना नहीं है था। मैं लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में सोशल साइट पर लोकेश कुमार सिंह से अर्धसैनिक बल के जवानों को सचेत रहते हुए आह्वान करता रहा। ये लिखा है मंगल सिंह रावत, यह पुलिस बल के मित्र समूह मनी एएसआई समूह मनी शर्मा द्वारा लोकेश कुमार सिंह से बात की गई, मेरे द्वारा भी बात की गई। सुप्रीम कोर्ट के जूनियर वकील एस्टेट्स काउंसलर का परिचय देते हुए लोकेश कुमार सिंह द्वारा दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में हम सभी ने आपस में चर्चा की। लोकेश कुमार सिंह खुद ही आया था और खुद ही हमको भी उसकी गाड़ी थी, बुलाया नहीं गया था जी। वो अपनी खुद ही किसी को लेके आया था, अपने परिवार के किसी लड़के को, हॉस्पिटल में मेरा था, ठीक है जी। और वहां से उसने फोन किया कि कहाँ हो, तो मैं बोला मैं दिल्ली में ही हूँ, तो बोले मैं आता हूँ जी, मैं टीसी में था। अच्छा, बोले मैं आता हूँ और ऐसे थे कोई वकील है उनसे मिलने चलना है। अच्छा, हमको शर्मा जी को दोनों को लेके गया था। अच्छा, ये बताइए उसकी गोली का, मैं बुलाया नहीं ना गया था, हमने नहीं बुलाया था। नहीं। अच्छा, ये बताइए हमने क्या जूनियर वकील सुप्रीम कोर्ट का बताया था क्या आपको कभी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मैंने स्टेट काउंसलर बताया था आपको? नहीं, स्टेट काउंसलर बोले कि बस यही बताया था ना। अच्छा, ये तो नहीं बताया था कि जूनियर वकील था सीआरपीएफ में, सीआरपीएफ में स्टेट काउंसलर, ऐसा कुछ बताया गया था क्या? चलिए अब आप सुनिए। समूह मनी शर्मा द्वारा 22 जुलाई को मेरा मंगल सिंह रावत को खजुराहो से दिल्ली रिजर्वेशन ऑनलाइन कराया गया। 23 जुलाई 2022 को लोकेश कुमार सिंह मुझे वरिष्ठ वकील आशाजन मदान के लेकर गए, जहां वकालतनामा हस्ताक्षरित हुआ। अब आप ही बताइए समूह मनी शर्मा सर, क्या मंगल सिंह रावत ने पैसा दिया था क्या? नहीं। चलिए मेरे सामने तो नहीं दिया। चलिए अरे मुझे भी नहीं दिया, भगवान की कसम खा रहे हैं, ठीक है। और दे दे तो मैं 5 लाख रुपया इसको दूंगा। वो भी आपका पैसा था। इस समय लोकेश कुमार सिंह द्वारा निशुल्क केस लड़ने कहा गया। 30 जुलाई संध्या होने की स्थिति में अचानक लोकेश कुमार सिंह उत्तर नगर की किराया मकान में दोबारा पार पहुंचा। मैं जहां हजारों कंप्यूटर के लोग थे, कंट्रोल रूम बना हुआ था, तमाम चीजें आरोप थी, मुझे समूह मनी शर्मा ने भेजा था। अब ये बताइए आपने क्या भेजा था क्या इनको? अब देखिए ये आपको भी लपेट रहे हैं, हमें भी लपेट रहे हैं। उसके बाद ये समूह शर्मा द्वारा मेरे संयुक्त रूप से बनाए गए थे और नाराज हो गया लोकेश कुमार सिंह, आपत्तिजनक गाली गलौज की गई। आप ये बताइए लोगों को ठग कहिएगा, गाली दीजिएगा, बदनाम कीजिएगा, तो लोग क्या आरती उतारेंगे क्या इनका? अब इनका लेटर जो है पूरा A to Z हमारे पास आ चुका है, ठीक है। राम कुमार तोमर का जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर राम कुमार तोमर का नहीं है, क्योंकि एडवोकेट अंकुर छिब्बर का जो वकालतनामा साइन किया था उस पर सिग्नेचर अलग है, ठीक है। और इन्होंने स्पीड पोस्ट भेजा था, वो सिग्नेचर हमारे पास भी है और वकालतनामा पे अथॉरिटी लेटर है। अब ये बताइए केस लड़ना है तो आप खुद वकालतनामा अथॉरिटी लेटर आप साइन कर रहे हैं ना, ठीक है। अब वकालतनामा क्या है मैं आपको सुना देता हूँ। दैट आई पिटिशनर नंबर 1, ठीक है, डू हेयर बाय द ऑथराइज्ड राम कुमार तोमर। पिटिशन नंबर 1, द अपीयर ऑफ द सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड डिक्लेयर अ फॉर्म मेक प्रेजेंट विद द पिटिशन फाइल ऑफ द बिहाफ एंड टू डू ऑल सच एक्ट्स थिंक डेट्स। से देख रहे हैं कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स जो है सिग्नेचर कर रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ और पूरा अपना जो है जानकारी दे रहा हूँ, सही दे रहा हूँ,
तो क्या इसमें शंका आ रही है, क्या दूसरे पे आरोप लगा सकते हैं आप? हैं, सिग्नेचर आपका, नाम आपका, पता आपका, सहयोग करने वाला इतना गलत हो गया, क्या अब इसके बाद कोई सहयोग करेगा इन लोगों की वजह से? तथा इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में, तमाम ग्रुप में भरमकता फैलाई, गाली गलौज किया, क्या इनको, इनके साथ क्या करना चाहिए? इनके साथ जिस भाषा में बोल रहे हैं उसी भाषा में उत्तर देना चाहिए और क्या करना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मोनी शर्मा सर, आपने टाइम दिया। बाकी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपको मौका मिले तो ठीक है, तो मैं आपको जो है इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में आपको जो गवाह के रूप में पेश करना चाहूंगा, साथ में आपको कोर्ट में आपको जो है पार्टी बना रहा हूं कि इन्होंने फर्जी लेगेशन लगाया है, उसमें आप जो है गवाही के लिए आइएगा हमारे तरफ से। ये एडवोकेट के मतलब एडवोकेट मैम का जो है, अच्छा मिश्रा जी भी हैं, तो सबको बोलिएगा और ठीक है, मैं नाम, क्या नाम है उनका पूरा मिश्रा जी का? देवमणि शर्मा सर को भी बोल दीजिएगा। ये सभी लोग अब पहुंचेंगे क्योंकि अब सर से ऊपर पानी जा चुका है, ये आर और पार, बेमान, चोर और गद्दारों के विरुद्ध ये लड़ाई है। इनकी दुकानें तो बंद कर दी, अच्छा मैंने दुकान इनका बंद किया दिल्ली वाला, इससे आप खुश हैं क्या? हैं, जो दलालों की दुकान चल रही थी दिल्ली में, जो कोर्ट में भी मेरे साथ आया है, वो जो दूसरा एक पैसा नहीं इकट्ठा करता था कि पदम सिंह, हाँ वो मेरे साथ यहाँ इंस्पेक्टर फोर्स में आया है। अच्छा हाँ। तो अच्छा खैर उसका तो मानते हैं अपना अलग मैटर था, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए चोरी करिएगा तो बच पाइएगा क्या, बदनाम नहीं होइएगा? तो ये तो चोर भी नहीं थे, ये तो गद्दार थे, हैं? चोर तो जो था वो तो षड्यंत्र रच के, मोबाइल चोरी, हाँ मोबाइल चोरी करके ले गए, और क्या मोबाइल दिया भी नहीं, शर्म नहीं है, लाज, ठीक है कोई बात नहीं, इनमें चोरी किया तो इसमें तो मुकदमा तो होगा ही, ये ठीक है, ये मुकदमा होगा, जब तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलेगी तब तक मुकदमा जो है स्थगित रहेगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी खत्म होती ही मुकदमा दायर होगा इन पे चोरों पे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, बाकी और आप दिल्ली आइए, आप सभी लोगों का नाम मैं दे रहा हूँ, ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। ये थे CRPF के ASI सम्मनी शर्मा साहब, इन्होंने केस किया है कोर्ट में ग्रेड पे 4200 लेके, इनके एडवोकेट भी हैं, इन्होंने केस भी किया है और सामने अपनी गवाही भी दे रहे हैं। मैं भारत के तमाम अर्धसैनिक बल के रिटायरमेंट, जो नौकरी करने वाले रिटायरमेंट लोग हैं, जो लोग उन्हें केस किया है, उनसे आग्रह करूंगा कि आप लोकेश कुमार सिंह के लिए गवाही देने के लिए दिल्ली पहुंचे, आपको गवाही में आपका नाम दिया जाएगा, आप कृपया करके अपना जो है आप अपना विलिंगनेस दें, जो दिल्ली के आसपास में है, वो चाहे दिल्ली में है, नजफगढ़ में है, चाहे उत्तम नगर में है, चाहे आपको जो है हरियाणा में है, राजस्थान में, जो कार्यरत लोग हैं दिल्ली में वो भी दें, 1000 लोग अगर गवाह देते हैं तो इनकी बैंड बजनी सुनिश्चित है। आप अपने हक के लिए लड़ते हैं, उसमें हमारा क्या रोल है? हमारा इतना ही रोल है कि हाँ लड़ाई सही है या गलत है इस पे हमसे पूछते हैं तब मैं बताता हूँ, अन्यथा नहीं बताता। किससे केस करना है नहीं करना जब आप हमसे पूछते हैं तब मैं बताता हूँ, लेकिन इन गद्दारों की दुकान बंद होने के बाद इन्होंने षड्यंत्र रचा, तो क्या आप लोग अपने बच्चों को प्यार जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से अगर आप लोग लोकेश कुमार से प्यार करते हैं तो आप लोग, मेरी विनती है कि आप लोग भी आइए इनके विरुद्ध, BSF, CRPF, ITP से लेकर गृह मंत्री तथा गृह मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक कागज भेजा जाए, CBI से लेकर ED तक भेजा जाए, इनकी फर्जीवाड़ा कोल खुलना चाहिए और इन पर मुकदमा दर्ज होकर इनको जेल होनी चाहिए। जो लोग देश को गुमराह कर सकते हैं, देश के जवानों को भ्रमकता फैलाते हैं, देश के जवानों के विरुद्ध में किसी के छवि को धूमिल करते हैं, देश के जवानों के विरुद्ध में षड्यंत्र रखते हैं, अधिकारियों के विरुद्ध में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, क्या इनको बचना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि इस पर न्याय होना चाहिए तो आप जरूर मेरा साथ दीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, साथ में आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर है 7903482383, नंबर जो है आपको जो है दे दिया जाएगा, इस नंबर पे आप जो है अपना विलिंगनेस दें और तमाम लोग साथ दें। ये लड़ाई धर्म की लड़ाई है, हमारे OPS की लड़ाई खराब करने में लगे हुए हैं, हमारे तथा अन्य ग्रेड पे तथा प्रमोशन तथा अन्य मुद्दों की लड़ाई खराब करने में लगे। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ में वीडियो देख रहे हैं तो 500 जगह शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।